नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स को लेकर विवादों में है। इस किताब के एक अध्याय द सैफ्रेन स्काई की उस बात पर नाराजगी जताई जा रही है जिसमें हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईसिस और बोको हरम से की गई है, जिसके बाद उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई। बुधवार को उनकी किताब का विमोचन किया गया जिसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ। इस पेज को बीजेपी के आईटी हेड अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है। सलमान खुर्शीद पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। विवेक गर्ग नाम के दिल्ली के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए केस दर्ज करने का अनुरोध किया है। सलमान खुर्शीद ने किताब में कहा है कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है जो कि हर तरीके से आईसिस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। इसकी वजह पूछे जाने पर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि हिंदू धर्म बहुत उच्च स्तर का धर्म है, इसके लिए गांधी जी ने जो प्रेरणा दी उससे बढ़कर कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अपनी किताब को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अयोध्या विवाद को लेकर समाज में बंटवारे की स्थिति थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसका समाधान निकाला। They would be writing the judgment on the basis of principles of the law of property, of title, and that's what they said they were doing, and that it would not be based on faith. But of course, as Mr. Chidambaram said, and many other people say, and I'm sure some of the participants may say so, that there is, it's a thin edge, and the court could have gone either way. But the larger perspective of the court was, let's, if it's possible, let's find closure. And the best possible closure menu that they had was what they've done. To what extent is it really seen as being fair and just is another matter, which obviously people would have different views on. But in the circumstances, I believe the court couldn't have done any better. And that the larger interest that the court kept in mind clearly was something that the court was justified to do. And the court does that, particularly the Supreme Court does that generally because it has the constitutional mandate to do complete justice in every case. So is this complete justice or is it approximate justice? It's not mathematical justice, but approximate justice. There would be different views on it. बता दें कि किताब में सलमान खुर्शीद लिखते हैं, बेशक हिंदुत्व के समर्थक इसे इतिहास में अपने गौरव को उचित मान्यता मिलने के तौर पर देखेंगे, न्याय के संदर्भ समेत जीवन कई खामियों से भरा है, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए इसे और इसके साथ समायोजन करने की जरूरत है। ये किताब एक विवेकपूर्ण फैसले में आशा को देखने की कोशिश है, फिर भले ही कुछ लोगों को ये लगता हो कि फैसला पूरी तरह उचित नहीं था। किताब पर बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा है कि समाज में एकता आएगी तो मानूंगा कि किताब लिखने का फैसला कामयाब रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।